नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा एक से लेके पाँच तक अध्ययन कराने वाले जो शिक्षक साथी हैं उनके प्रशिक्षण के आदेश जारी हो चुके हैं। ये जो प्रशिक्षण है ये 6 दिवसीय रहने वाला है। क्षमता संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण होगा। ब्लॉक स्तरीय और PO कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रशिक्षण पूर्व तैयारी कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं आदेश की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का प्रशिक्षण दिशा निर्देश 2023-24 आदेश है। 28/6/2023 को ये जारी हुआ है। तो यहाँ जो प्रशिक्षण है, सबसे पहले जो प्रशिक्षण का प्रकार है, SRG प्रशिक्षण है, MT या KRB प्रशिक्षण है, शिक्षक प्रशिक्षण है। यूनिट कोस्ट दे रखी है, संभागी कहाँ कहाँ से कौन कौन रहेंगे वो दे रखा है, आयोजन का स्तर कौन कराएगा, और जो प्रशिक्षण दिवस है, प्रस्तावित समयावधि है, वे मापदंड है, और सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं। तो यहाँ पर SRG प्रशिक्षण होने हैं, MT और KRP से संबंधित भी प्रशिक्षण 6 दिवसीय रहेंगे। यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण है, ये भी 6 दिवसीय रहेंगे। ₹500 प्रति संभागी ये जो पेमेंट है ये रहेगा। 1 से 5 तक अध्ययन कराने वाले शिक्षक साथी हैं उनके लिए ब्लॉक स्तर पर ये प्रशिक्षण रहेगा 6 दिवसीय। इसकी जो प्रस्तावित समयावधि है, अब तक 17 से लेकर 22 जुलाई को ये रहेंगे, 24 से लेकर 31 जुलाई, जिसमें 29 और 30 को शामिल नहीं किया जाना है। तो इस डेट को ये होना प्रस्तावित है। 1 से लेकर 7 अगस्त को भी ये 6 दिन की अवधि रहेगी, इसमें 6 अगस्त को शामिल नहीं किया है। उसके बाद में जो क्लस्टर कार्यशाला है PO स्तर पे, वो भी यहाँ आयोजित होगी। इसमें भी जो संभागी होंगे वो 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक साथी ही रहेंगे। एक एक दिवसीय कार्यशाला, 4 कार्यशाला रहेगी। यहाँ जो प्रस्तावित समयावधि है, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो जो वे मापदंड है ये टेबल संख्या 2 के हिसाब से है। ये जो आदेश है ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है, चाहे तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रशिक्षण में लीडरशिप आधारित प्रशिक्षण भी होंगे, इसमें SRG प्रशिक्षण, MT या फिर KRB प्रशिक्षण, संस्था प्रधान को भी अलग से प्रशिक्षित किया जाएगा। जो वाइस प्रिंसिपल साहिबान हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण यहाँ रखे गए हैं। SRG तथा KRB प्रशिक्षण, उपप्राचार्य प्रशिक्षण, ये सारी की सारी जो आपको टेबल दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसके हिसाब से आयोजित होने हैं। PO और UCO के जो आमुखीकरण हैं उसमें SRG प्रशिक्षण, MT प्रशिक्षण और PO और UCO आमुखीकरण प्रशिक्षण भी यहाँ पर आयोजित होने हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। संभागी का जो चयन है वो हम जान सकते हैं किस प्रकार से होना है। प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक में प्रतिस्थापित 1 से लेकर 5 अध्ययन कराने वाले जो समस्त शिक्षक हैं वो एज ए संभागी रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्रमांक नंबर 6 दे रखा है इसमें ये बात दी।